हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से हमें चार बातें सीखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उनियाल आपका पुनः स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर छोटी सी बात। पहली, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। दोस्तों, हमें अपना कर्म इतनी खामोशी से करना चाहिए कि किसी को पता तक ना चले, जब तक कि हमारा वो काम पूर्ण ना हो जाए। और जब हम उसकी सफलता की ओर बढ़े और जब वो सफल हो जाए तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसकी सफलता होगी, उसी से लोगों को पता चलने दीजिए कि ये कर्म किसने किया है या ये काम किसने किया है। हमारी सफलता ही हमारे कर्मों को डिफाइन करनी चाहिए, उसी नाम में आनंद है। दोस्तों, कलाम साहब ने एक बार कहा था कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं और हमारी ये आदतें ही हमारा भविष्य बदल सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही बातों का जिक्र करते हुए हम अपनी दूसरी आदत की तरफ चलते हैं। दे यूज देयर टाइम प्रॉपरली, मतलब जो भी सफल व्यक्ति हैं वो अपने टाइम को हमेशा मैनेज करके चलते हैं। समय को मैनेज करना हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारे सक्सेस के लिए एक बहुत ही आवश्यक सीढ़ी का काम करती है। उदाहरण के तौर पे मार्क जकरबर्ग को ही ले लीजिए। जब उनसे पूछा गया कि आप हमेशा एक तरह के ही कपड़े क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अपना समय उन डिसीजन मेकिंग पे लगाता हूँ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कपड़ों को चूज करना, कपड़ों को रोज देखना कि मैं कौन सा पहनूं, ये मेरे लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है। इसके अलावा मेरे पास बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे सफल होने के लिए जरूरी है। तीसरा पॉइंट, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। दोस्तों, लर्निंग मेक्स यू क्रिएटिव। जीवन के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक विकास में बहुत मदद मिलती है। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ले लीजिए, उन्होंने कभी भी लर्निंग नहीं छोड़ी, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति ने सीखना छोड़ दिया वो जिंदा लाश की तरह हो जाते हैं। आपकी सफलता मात्र संयोग नहीं है, आपके कठिन प्रयास से आनी है। तो जब तक आप सीखते रहेंगे, आप सफल होते रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं चौथी बात की ओर। चौथी आदत है सेल्फ टॉक। दोस्तों, सेल्फ टॉक मतलब आत्मचिंतन, आत्ममनन। यह भी सफल होने के मार्ग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। यदि हम स्वयं से बात करना सीख जाएं, अपनी गलतियों को, अपने दिन भर की दिनचर्या को खुद से एनालाइज करना सीख जाएं, तो हम जीवन में काफ़ी चीज़ों को सुधार सकते हैं। ऐसा करने से हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और जीवन में सफल होने के लिए इन चार आदतों को हमेशा याद रखिए। और इस तरह की और कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए।